फरीदाबाद में देर रात मारे गए गैंगस्टर बल्लू पहलवान की हत्या से दिल्ली एनसीआर में गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। इस कांड के पीछे पैसों के लेन देन, कोर्ट में गवाही न देने और गैंग बदलने की वजह सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कपिल सांगवान उर्फ नंदू का हाथ होने की आशंका है। नंदू फिलहाल अमेरिका से अपना नेटवर्क चलाता है। बल्लू पहलवान पहले नंदू का खास था, लेकिन फिलहाल उसकी नजदीकी तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महल से हो गई थी। इतना ही नहीं, उसने नंदू गैंग को पैसा देना भी बंद कर दिया था। इसके चलते वह नंदू और गिरोह के कई लोगों के निशाने पर आ गया था। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस जेल में बंद मंजीत और नंदू गिरोह के कई बदमाशों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 11 में गैंगवॉर में मंगलवार देर शाम जिम से बाहर निकले नजफगढ़ निवासी गैंगस्टर बल्लू पहलवान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बल्लू अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इस दौरान इसके पीछे से एक कार में सवार 4 से 5 बदमाशों ने HDFC बैंक के सामने ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सभी आरोपी सोनीपत के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2014 में नंदू के जीजा सुनील डॉक्टर की हत्या बल्लू के ऑफिस में मंजीत महल ने करवाई थी। हत्या के दौरान बल्लू मौके पर ही मौजूद था और वह एकमात्र गवाह था। कोर्ट में बल्लू को गवाही देनी थी, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। सूत्रों ने बताया कि बल्लू गवाही से पीछे हट गया था और उसने मंजीत महल के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था, जिसके चलते नंदू उससे नाराज हो गया था और यही नाराजगी उसके हत्या की वजह बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बल्लू को 20 से ज्यादा गोलियां लगी, वह वहीं गिर गया, पर आरोपी 2 से 2.5 मिनट तक उस पर फायरिंग करते रहे। बल्लू पर हत्या समेत कई मामले पहले से दर्ज थे। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य, DCP राजेश दुग्गल और ACP क्राइम अमन यादव समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज और अन्य सबूत जुटाने की कोशिश कर दी है। बताया जा रहा है कि दो गैंग के बीच पिछले कई वर्षों से चल रही गैंगवॉर में ये हत्या की गई है।